पूरे भारत में कोरोना वायरस ने अपनी रफ्तार कम कर दी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,65,553 नए मामले सामने आए हैं और 3,460 लोगों की मौत इस वायरस से हुई है, जिसके बाद पॉजिटिव मामलों की तादाद 2,78,94,800 हो गई है और मरने वाले लोगों की कुल तादाद 3,25,972 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,76,309 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। इस समय सक्रिय मामलों की तादाद 21,14,508 है, जबकि देश में 21,20,66,614 लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 30,35,749 टीके लगाए गए हैं। देश की राजधानी में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने 7 जून को सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया है। भारत में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के तहत 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन देश के कई राज्यों से वैक्सीनेशन की कमी की खबरें सामने आ रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों में 10 से 44 सालाना लोगों की वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है। इस बीच यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने राहत भरी रिपोर्ट दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि जून 2021 में 12 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध की जाएगी। ऐसे ही तमाम कोविड अपडेट्स के लिए E99 एक्सप्रेस टीवी के साथ बने रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 199 कस्टम स्टोर में आपका स्वागत है। पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर। आप लोग जो भी हजरात फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं, जो 99 स्टोर फ्रेंचाइज नहीं लिए हैं, वो 199 स्टोर इंडिया फर्स्ट की आप फ्रेंचाइज ले सकते हो, ठीक है। और जो सप्लायर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपको लगता है कि 99 में आपके प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो भी आपके लिए वेलकम है। यहाँ पर आप आइए, मुझसे मिलिए। 3 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ मैं। और कॉन्टैक्ट करिए नीचे लिखे हुए नंबर पर।